हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट ओपन करने में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल जाता है और हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए और कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें कितना मंथली एवरेज बैलेंस यानी कि MAB मेंटेन करना पड़ जाता है। तो अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि पहले आप वह वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि IDFC बैंक में हमें क्या क्या सर्विस हमें IDFC बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो देखने को मिलता है और कौन से अकाउंट में हमें कितना मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IDFC बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी तरह का वीडियो। और एक खास बात शुरू करने से पहले आप लोगों के बीच शेयर करते हैं कि हम अपने YouTube चैनल टेक्निकल बातें पे आप लोगों के लिए CSE ट्रेनिंग ट्यूटोरियल और नेट बैंकिंग ट्रेनिंग ट्यूटोरियल दोनों लेकर आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि CSE में कौन से सर्विस दिए जाते हैं और CSE कैसे अप्लाई करते हैं और TEC सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं, आप CSE ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के माध्यम से यह देख सकते हैं। और नेट बैंकिंग ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन सा बैंक का नेट बैंकिंग हम कैसे यूज़ करेंगे और नेट बैंकिंग किसी बैंक का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और किसी भी बैंक का हमें नेट बैंकिंग में क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 10+ बैंकों का नेट बैंकिंग ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस और यस बैंक सारे बैंक का यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि IDFC बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ओपन अकाउंट नाउ, सिंपल से आपको ओपन अकाउंट नाउ पे क्लिक करना है। ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑन मोर विथ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एवरी मंथ ऑन योर सेविंग अकाउंट, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस। तो चलिए हम प्रोसेस जान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मोबाइल नंबर, सिंपल से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस इंटर करना है, यहाँ पे आपका आधार नंबर देखने को मिल जाता है, सिंपल से आपको यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है। अगर आप दूसरे देश से आते हैं या कहीं और से आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डोंट हैव आधार कार्ड, सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करके अदर ऑप्शन से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हम इंडिया से है तो यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर इंटर करना है, आधार नंबर इंटर करना है और ईमेल एड्रेस इंटर करना है। चलिए फटाफट यह सारा इंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। और आधार नंबर मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सेंड OTP, तो सिंपल से आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वी आर ऑथेंटिकेट योर आधार नंबर प्लीज वेट, यहाँ पे आपका आधार नंबर ऑथेंटिकेट किया जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे वेट कर लेना है कि आपके आधार नंबर से IDFC फर्स्ट बैंक में आपका अकाउंट पहले से है तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे वेट कर लेना है और ऑथेंटिकेट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। सिंपल से आपको वो OTP इसमें फिल कर देना है और OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट प्रोसेस का, सिंपल से आपको यहाँ पे ये क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट कर लेना है और वेट करने के बाद यहाँ पे आपका नेम शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स में आपको पहले आपका पैन नंबर फिल करना है। पैन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एड्रेस टाइप, सिंपल से आपको एड्रेस टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आपका रेसिडेंट एड्रेस है या वर्किंग एड्रेस है। और यहाँ पे रेसिडेंट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपका सेल्फ है या रेंटेड पर रहते हैं या फैमिली का है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सारा एड्रेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका पिन कोड और यहाँ पे आपका स्टेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका सिटी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका कंट्री देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका फादर्स नेम और वार्ड नंबर और बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका रोड लाइन 2 देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपका नियरेस्ट लोकेशन क्या है, सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बैंकिंग प्रेफरेंस, बैंकिंग प्रेफरेंस में यहाँ पे आपका नेम शो हो जाएगा कि आपके आपके ATM कार्ड पे नेम क्या प्रिंट होकर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है परफेक्ट ब्रांच लोकेशन, सिंपल से आपको यहाँ पे अपना ब्रांच लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ब्रांच कहाँ रखना चाहते हैं, अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेना। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फैमिली डिटेल्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है
मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में मैरिड है, अनमैरिड है, सिंपल से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मदर्स नेम, सिंपल से आपको यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है। और मदर्स नेम फिल करने के बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नॉमिनी, तो यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं तो नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। और नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पे नॉमिनी ऐड पे क्लिक करना है। नॉमिनी ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी के नेम इंटर करना है, नॉमिनी का रिलेशनशिप इंटर करना है कि आपकी नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बर्थ देखने को मिल जाएगा, सिंपल से आपको नॉमिनी का बर्थ इंटर करना है। और नीचे आपको देखने को मिल जाता है कि नॉमिनी सेम एड्रेस पे रहता है, तो आपको यहाँ पे चेक्स बॉक्स पे क्लिक कर लेना है और आगे बढ़ना है। अगर आपके नॉमिनी आपके पास सेम एड्रेस पे नहीं रहता है तो आपको चेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नॉमिनी का एड्रेस फिल करना है। और नॉमिनी एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, अगर आपका नॉमिनी 18 साल से कम एज का है तो यहाँ पे आप गार्जियन का नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको गार्जियन का नेम फिल करना है। गार्जियन अगर सेम एड्रेस से आते हैं तो सिंपल से आपको यहाँ पे सेम पे ही क्लिक कर देना है। अगर नॉमिनी का गार्जियन डिफरेंट एड्रेस से आते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। तो चलिए हम नॉमिनी का ऐड किए ही बिना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को नेक्स्ट का एरो, सिंपल से आपको नेक्स्ट एरो पे क्लिक करना है। नेक्स्ट एरो पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय यहाँ पे वेट कर लेना है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑक्यूपाइजेशन सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऑक्यूपाइजेशन सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड है, एम्प्लॉयड है, बिजनेस है या अदर है। सिंपल से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कंपनी नेम और ऑर्गेनाइजेशन नेम, सिंपल से आपको ऑर्गेनाइजेशन नेम, कंपनी नेम फिल करना है। उसके बाद इनकम देखने को मिल जाता है, सिंपल से आपको यहाँ पे इनकम सेलेक्ट करना है। और इनकम सेलेक्ट करने के बाद आपको इनकम यहाँ पे फिल करना पड़ता है कि आपका एनुअल इनकम या ग्रॉस इनकम क्या है, सिंपल से आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट कीजिए। एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आई एम रेसिडेंट इन इंडिया, सिंपल से आपको आई एम रेसिडेंट इन इंडिया पे क्लिक करना है। और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सिलेक्ट योर बर्थ कंट्री, सिंपल से आपको यहाँ पे बर्थ कंट्री सेलेक्ट, यहाँ पे सिटी पूछा जाएगा कि आपका बर्थ सिटी क्या है। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आप चाहते हैं अपना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन, तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यह सारा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट एरो, सिंपल से आपको नेक्स्ट एरो पे क्लिक करना है। नेक्स्ट एरो पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ समय वेट कर लेना है। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे सर्विस चूज करना पड़ता है कि आप कौन कौन सा सर्विस यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सर्विस चूज कर लेना है। आपको यहाँ पे फर्स्ट में देखने को मिल जाता है काइंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, पीएमएस, एआईएफ और स्टॉक मार्केटिंग डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हाउ मेनी चिल्ड्रेन डू यू हैव, यहाँ पे आपको अपने चिल्ड्रेन फिल करना है कि आपके पास कितने बच्चे हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डू यू ओन एनी व्हीकल, यहाँ पे आपके पास अगर आपका किसी भी तरह का व्हीकल है तो है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको नोप देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको नोप पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डू यू हैव लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑलरेडी, अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ पे आपको नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट में कैन यू टेल अस मोर अबाउट योर कंपनी, यहाँ पे जिस कंपनी में आप वर्क करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपके कंपनी के बारे में और जानकारी आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप वहाँ पे अपने ऑक्यूपाइजेशन के अनुसार सेलेक्ट किए हैं कि हम किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी का और कंपनी के बारे में और कुछ फिल करना है। वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कंपनी नेम और यहाँ पे कंपनी का ईमेल एड्रेस देखने को मिल जाता है, सिंपल से आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है ऑल कम्युनिकेशन विल बी सेंड ऑन योर पर्सनल आईडी ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको सारा कम्युनिकेशन आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे सेंड। अगर आप इस फॉर्म को स्किप करना चाहे तो यहाँ से आप स्किप पे क्लिक करके स्किप कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को और भरना चाहते हो तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो चलिए हम यह फॉर्म स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो स्किप करने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है दो तरह का अकाउंट। फर्स्ट में हमें देखने को मिल जाता है वीजा क्लासिक कार्ड और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है सिग्नेचर कार्ड। तो जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया है कि वीजा क्लासिक कार्ड और वीजा सिग्नेचर कार्ड में क्या
कितना हमें मेंटेन करना पड़ेगा और सर्विस चार्ज हमें कितना देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। सिंपल से आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो सारा देख सकते हैं। यहाँ आपको वह वीडियो देखना अति आवश्यक है कि कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें कितना चार्ज लग जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सिंपल से आप क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप यह प्रोडक्ट सेलेक्ट करना था तो आपको यहाँ पे यह क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पिक मी, यानी कि यह प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें क्लिक करना। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है कि अगर आप वीजा सिग्नेचर कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको 25,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आप वीजा क्लासिक कार्ड सेलेक्ट करते तो आपको 10,000 मंथली मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें नीचे देखने को मिल जाता है फंडिंग, यहाँ पे हमें 25,000 का फंडिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप 25,000 से नीचे फंडिंग नहीं कर सकते। अगर आप 25,000 से ऊपर तक का फंडिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे आप जितना आप फंडिंग करना चाहते हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्किप फंडिंग एंड ओपन अकाउंट। यहाँ पे आप फंडिंग स्किप करके अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्किप फंडिंग एंड ओपन अकाउंट पे क्लिक करके स्किप फंडिंग ओपन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपका फंडिंग स्किप कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको फंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अकाउंट ओपन होने के बाद आपको फंडिंग करना पड़ेगा। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है फुल फंडिंग ओपन अकाउंट। यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन के बाद तुरंत आपको फंडिंग करना पड़ेगा तो ही आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC कोड प्रोवाइड किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं स्किप फंडिंग एंड ओपन अकाउंट। तो यहाँ पे स्किप फंडिंग एंड ओपन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ समय वेट कर लेना है। और वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज सेंड कर दिया जाता है, कंग्रेचुलेशन योर अकाउंट नंबर हैज बीन क्रिएटेड, और आपका अकाउंट नंबर क्रिएट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा। और यहाँ पे आपको स्किप फंडिंग और ओपन अकाउंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कंग्रेचुलेशन योर अकाउंट हैज बीन ऑलमोस्ट रेडी, और यहाँ पे आपका अकाउंट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आपको वीडियो KYC किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लाइव वीडियो वेरिफिकेशन। सिंपल से आपको यहाँ पे लाइव वीडियो वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, यहाँ पे आपका सिग्नेचर करने के लिए एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए और पेन होना चाहिए, और यहाँ पे आपको गुड कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कनेक्टिंग नाउ। सिंपल से आपको यहाँ पे कनेक्टिंग नाउ पे क्लिक करना है। अगर आप शेड्यूल बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे शेड्यूल बुक करके भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाद में आपको VKYC करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कनेक्टिंग नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको परमिशन मांगा जाएगा। सिंपल से आपको यह सारा परमिशन अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आर यू रेडी फॉर वीडियो कॉल, और यहाँ पे आपको पैन कार्ड ओरिजिनल रखना है, ब्लैंक पेपर रखना है, ब्लू और पेन रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाता है आई एम रेडी। सिंपल से आपको आई एम रेडी पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आप VKYC के थ्रू IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम देखें कि IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, और हमने दूसरा वीडियो भी आप लोगों के लिए लाया कि यस बैंक में अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, और यस बैंक हमारा कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, हमारे लिए कौन सा अकाउंट परफेक्ट है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे CSE ट्रेनिंग ट्यूटोरियल और नेट बैंकिंग ट्यूटोरियल से जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।